बनी दुल्हन बनी दुल्हन, युवान को ना खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम खीर लाई हो? ना युवान, तुम सर्जरी से पहले कुछ ना खा सको, बोला है ना डॉक्टर ने। अच्छा लाई है ना मैंने, ये देखो। युवान मीठी खीर। कौन खीर? मन से मानोगे तो ये खीर ही है, ये देखो, ये ढक्कन खुला, चम्मच और ये खीर, तो कुछ ना है। खाओ। शाबाश। काजू काजू आया मुंह में। एक और। हे समुझी, हमारी युवान की सर्जरी सफल हो और युवान बिल्कुल ठीक हो जाए। द रॉकिंग स्टार के प्रतियोगी युवान सिंह राठौर आज एक बड़ी सर्जरी से गुजर रहे हैं, उनके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है, आप भी कीजिए। देखो बिन्नी, कितने सारे लोग दुआएं कर रहे हैं अपने युवा के वास्ते। ठीक है, वो देखो ना, वो लाल वाली बत्ती बुझ गई, डॉक्टर साहब आते होंगे। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी इसलिए 12 घंटे लग गए। सब ठीक से तो हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज एक है, सर्जरी पूरे तरह से सक्सेसफुल रही है। थैंक यू। युवान फिलहाल बेहोश है, उसे हम आगे 4 हफ्तों के लिए ICU में ही रखेंगे, बेहोशी की स्टेज में। युवान को हम धीरे धीरे से ही होश मिलाएंगे और आप लोग उसको कुछ हफ्तों के बाद ही मिल पाएंगे। थैंक यू गॉड। डॉक्टर
सॉरी सॉरी युवान। हाँ हाँ मैं युवान। आप कौन? मैं बन्नी। बन्नी I'm sorry, कौन बन्नी? धन्यवाद शंभू जी, ये तो हमारा सपना था, क्योंकि असलियत में युवान बन्नी को कभी भूल ही ना सके। हमारा युवान अपनी बन्नी दुल्हन को थोड़ी ना भूल सके, ना कभी ना। युवान के लिए दिल वाली रोटी। अरे सब रेडी हुए कि ना? पूरे एक महीने बाद हमारा युवान आईसीयू से अभी नॉर्मल वार्ड में आने वाला है। पूरे एक महीने बाद हमारे को युवान से मिलने का मौका मिलेगा। दादो साहब आप तैयार हो गए? शाबाश, मैंने युवान के वास्ते सारा खाना पीना सब तैयार करके रखा है। उसका टिफिन भी तैयार है। पता है क्या बनाया? गट्टे की सब्जी, कांदों का साग, कड्डी चावल, शाही पनीर, उसके साथ पूरी, और फिर युवान की सबसे फेवरेट हमारी युवान मीठी खीर। देख जा दादा साहब, वो पूरे मन से पूरे चाव से खाएगा। स्वाद भी कोई भूल सके है के? मतलब भूलेगा तो कुछ भी ना। हाँ दादा साहब, पता है डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि युवान का इलाज ना बहुत बढ़िया हुआ है, और उसकी वो जो रिपोर्ट हो गया है वो भी एकदम ठीक आई, एकदम एकदम फिटम फिट, मतलब सब ठीक है एकदम, समझ रहे हो? देख जो दादा साहब, आज हम जाएंगे ना, आज वो हम सबसे बहुत सारी बातें करेगा, बहुत सारी बातें। एक तो उसकी बक 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 सुनने को हमारे कान तरस गए। पता नहीं आईसीयू में एक महीना चुप भी रहा होगा कि वहाँ सता रहा होगा सबको, या घर पे हमारे पाछे घर पे नाचता रहे, बन्नी दुल्हन ये चाहिए, बन्नी दुल्हन वो चाहिए, बन्नी दुल्हन मारी खीर लाओ, बन्नी दुल्हन मारा बंटी कट है, बन्नी दुल्हन मारा चंदा मामा लगाओ, बन्नी दुल्हन गे, बन्नी दुल्हन वो बनी। संतो जा जानू बेटा, अपनी आवाज में जोर जोर से बोल के अपने भीतर का डर छुपाने की कोशिश कर रही है तू। घबराना समझ महाराज, तारी तपस्या का फल थारे को जरूर देंगे। युवान बनने ने भूल सके कहीं? किसी बोले हो? ओ क्या बोले हो तुम दोनों, पक्की बात पे? कम पक्की बात। मैं तो भूल नहीं ना दूंगी उसे, चटनी बना दूंगी उसकी, काचर काचर वाली। हाँ क्या हो गया बेटा? हैं? वापस आ चलिए ना। एक मिनट बेटा, युवान से सबसे पहले मिलने कहा कुसे है, इसने युवान की जिंदगी बदल दी। बन्नी जा बेटा, जा बेटा जा। युवान कटे क्या?
गौरी शंकर की पूजा बहुत बड़ी होती है और उसे करने की एक विधि होती है। समझ ना आ रहा। What? युवान ऐसे कटे जा सके? अरे किसी ने उसका ध्यान ना रखा कि कटे है युवान, कटे। मैम प्लीज काम डाउन, बीमारी की मरीज कभी कभी। हमारा युवान बीमार ना है, एकदम ठीक हो गया है। हमारा युवान पूरी तरह से ठीक है, ठीक है अभी हमारा युवान। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम्। पूरे घर में देखा ना दादू साहब? नहीं है पूरे घर में। कुछ पता चला? युवान घर भी नहीं पहुंचा। समझ में नहीं आ रहा हॉस्पिटल से युवान अचानक गायब कहां हो सकता है, कहां जा सकता है। हाँ ना ऐसा करते हम एक बार हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे या गार्ड से युवान की फोटो दिखा के पूछते हैं कि उन्होंने उसे कहीं देखा हो आते जाते। चलो हाँ जी, मैंने इन्हें हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा था। हाँ इन्होंने ही तो मुझसे पूछा था कि गौरी शंकर मंदिर के लिए ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगा। गौरी शंकर मंदिर? जी दादा साहब, आपको कुछ पता है कि युवान इस मंदिर के लिए क्यों निकला होगा? गौरी शंकर वही मंदिर है जैसे उसकी माँ वंदना उसे अक्सर ले जाया करे। मतलब युवान ने सब याद है। देखो तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो, ठीक है? चलो जाओ, चलो हटो हटो। नहीं 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 नहीं, देखो तुम लोग को अंदर नहीं जाने दे सकते, जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो तुम लोगों को कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है? जाओ अभी जो। लड्डू ही तो मांग रहे हैं, दे दीजिए इन्हें। देखिए भाई साहब, ये फंक्शन हमारे बड़े साहब ने रखा है और उन्होंने ही सारा इंतजाम किया है, और ये नियम है कि ये लोग अंदर नहीं जा सकते। जो ये दुनिया चलाते हैं, आप उन्हीं के घर पर बैठकर अपने नियम कैसे चला सकते हैं? माँ कहती थी, हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान है। अब एक ही पिता की संतान में भेदभाव तो नहीं किया जा सकता ना। लड्डू दे दीजिए। देख छोरे, शांति से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा ना? अपनी माँ का दिया हुआ ज्ञान यहाँ मत बांट, और तुझे अगर इतनी तरफदारी करनी ना इनकी तो तू भी साइड हो ले। चल अब तुझे भी अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। हवन का समय हो गया और सब लोग यहाँ से जाओ। चलो अंकल, चलो जाओ, जाओ।
ए, ए, क्या कर रहा? ए, रख, नीचे रख थाल, नीचे रख। मुझे सिर्फ ये लड्डू चाहिए। अच्छा, जबरदस्ती करेगा? गुंडा तो यहाँ का, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की? ये हमारे साहब का भंडारा, चल निकल यहाँ से। हे शंभू जी, आज का दिन तो सीधा साधा निकाल देते, बिल्कुल सबर ना हो रहा। हमारे को युवान से मिलना ही है, एक महीना हो गया है। अरे 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 अरे, मारी टिफिन। हे शंभू जी, आज का ही दिन मिला था के मारी टिफिन। ये तो युवान की मिठी खीर थी, उसके लिए स्पेशल। सारी गिर गई ये तो। मैं अंधविश्वास में तो ना मानूं, लेकिन ऐसे संकेत क्यों दे रहे हो शंभू जी? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।